जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने 5 राज्यों में से 3 विधानसभा चुनावों में मिली जीत मिलने पर कांग्रेस जन ने गोलघर स्थित इंदिरा तिराहे पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर किया। 3 राज्य में मिली हार से बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मायूसी दिखी और कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कांग्रेस की मिली जीत पर महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता ने साबित कर दिया कि वास्तव में जनता को विकास चाहिए, जनता को झूठे वादे नहीं चाहिए। जिस तरीके से पहले की सरकारों ने बेरोजगारों से, महिलाओं से, व्यापारियों से गलत वादे करके उनके वोट लिया था, आम जनता ने साबित कर दिया कि पुनः हम कांग्रेस की सरकार हर राज्यों में लाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राकेश यादव, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, डॉक्टर सुनीता करीम, दिनेश चंद श्रीवास्तव, दिनीप जायसवाल, मार्कंडे सिंह, उदयवीर सिंह, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, नासिर मुन्ना, असलम परवेज, देवेंद्र निषाद, जयंत कुमार पाठक, अभिषेक अग्रहरी भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी और जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो 3 बड़े राज्य हैं जहां जो हिंदी भाषी क्षेत्र है और जो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का नींव रखने का काम किया था, वहां का परिणाम आज इस बतलाता है को निश्चित रूप से मोदी सरकार से देश की जनता उब गई है और बहुत दिनों तक वो झूठ के सिर्फ शब्दबाज में फंसी नहीं रह सकती है और आज वहाँ की जनता ने अपने मतदान के द्वारा ये सिद्ध कर दिया वो हमें सबसे पहले अपने रोजी रोटी, अपने विकास, अपने नौजवानों के भविष्य से चिंता है और जो भी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेके चुनाव में उतरी और जो भी पार्टी का अतीत रहा है इन सारे मुद्दों में वो पूरा करते हुए देश को आगे ले जाने का उसके पक्ष में जो है समर्थन देने का काम करके इनको ये संकेत दिया है कि निश्चित तौर पे अभी ये बाकी है, 2019 बाकी है और 2019 में मोदी सरकार का बोरिया बिस्तर समेटने जा रहा है और निश्चित रूप से उसके बाद पुनः एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की जो भी सरकार बनेगी वो पुनः विकास के रास्ते पर चलते हुए देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम करते हुए देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का काम करेगी।
देखिए मिजोरम छोटी सरकार है, वहाँ पर एक क्षेत्रीय दल जो है क्षेत्रीय दल हैं और वहाँ पर निश्चित तौर पे हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक छोटे दल को जो और प्रणाम जो है वो हमको उत्साहित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर बाद में उस पर एक हमारी पार्टी का जो भी केंद्रीय नेतृत्व है उस पर एक मंथन करेगा कि मिजोरम में जहाँ पर हमारी सरकार थी आखिर क्यों गई, क्या वहाँ स्थानीय नेतृत्व या स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ की जनता के अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे या जो भी कारण रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से आज हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि जो मोदी जी कहते थे को कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर दे रहे हैं, आज उसका उल्टा आज इनकी जो अस्तित्व समाप्त की ओर एक बिगुल बज गया है और निश्चित रूप से धीरे धीरे 2019 तक जो भी परिणाम चुनाव होंगे राज्य के अंदर चाहे 2000 में लोकसभा का चुनाव, वो टोटल मोदी सरकार को हटाने का काम करेगी। गठबंधन की क्या प्रक्रिया है? गठबंधन होगा, निश्चित तौर पे होगा और इसका तो फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेंगे, तमाम पार्टियों को होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा, जनता के हित में होगा, देश हित में होगा और गठबंधन में अपने सहयोगी समान विचारधारा वाले दलों के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करेगी। आज जनता ने साबित कर दिया कि वास्तव में जनता को विकास चाहिए, जनता को झूठे झूठे वादे नहीं चाहिए। जिस तरीके से पहले की सरकारों ने बेरोजगारों से, महिलाओं से, व्यापारियों से सब झूठ और फरेब के वादे करके उनका वोट डाका डाला था, आज जनता ने साबित कर दिया कि पुनः हम कांग्रेस की सरकार हर जगह हर राज्यों में लाएंगे और देखिएगा आने वाला चुनाव 2019 कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। सारी चीजें क्लियर हैं, हम देखिए लगातार हमारी बढ़त हमारी हो रही है वहाँ और बीजेपी का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है वो हमारे नेता को तमाम बातें कहा करते थे जो उन्होंने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, राजनीति में जिस तरीके से इन्होंने लांछन लगाना शुरू किया, जिस तरीके से त्याग की मूर्ति का अपमान हुआ, जिस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान किया और सारे महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है और यही सारे रोज जो है नौजवान सारी महिलाएं व्यापारी आज मिलकर मोदी से बदला ली है और कांग्रेस की सरकार हर जगह बन रही है। देखिए हम बढ़त पे हैं, हम बढ़त पे हैं, वहाँ भी वोट परसेंटेज हमारे बढ़े हैं, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, इनके इन्होंने लगातार 5 सालों तक झूठे और फरेब, हो सकता है वहाँ की जनता इनके बहकावे में आ गई हो लेकिन 19 में कहीं किसी भी राज्य की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से है, हमारा हमारे हमारे जो नेता है राष्ट्रीय नेता हम जो है जिसको वहाँ का नेतृत्व सौंपेंगे वहाँ वो जो है हम तो वहाँ ये मानते हैं सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी जी का है, उससे बाद जो है करीबन 2 साल से हमारे नेता पीएल पुनिया साहब वहाँ जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे और मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।